नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद बलिया में। अजी, आपको बता दें कि 359 सिकंदरपुर बलिया विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर विजय रंजन जी सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी, आप सभी को पता है कि हम लोग सन 2022 के विधानसभा चुनाव कवरेज कर रहे हैं, जमीनी हकीकत दिखाने का काम कर रहे हैं, चुनावी चक्के पे बात करने का काम कर रहे हैं कि इस बार सन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी किस एजेंडे के साथ सन 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है और प्रत्याशी किस एजेंडे के साथ सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने विधानसभा में जोरों शोर से कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विजय रंजन जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिकंदरपुर विधानसभा में सबसे बड़ी जटिल समस्या क्या है और किस मुद्दे के साथ ये राजनीतिक क्षेत्र में इनका पैर आया है और आगे इनकी मंशा क्या है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, और हम जानना चाहेंगे कैसे हैं। बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग इस जमीनी हकीकत जानने के लिए आप अपने समाचार मीडिया के माध्यम से क्षेत्र में जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और अपने समाचार चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। नेताजी, चूंकि आप जान ही रहे हैं कि क्षेत्र इस समय चुनावी का चल रहा है और आप विधानसभा में भ्रमण भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के ऊपर बात करने से पहले हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आप एक पेशे से डॉक्टर हैं। आपने गोरखपुर में भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए हैं, उसमें ग्रीनलैंड का नाम भी आता है जो गोरखपुर में सबसे चर्चित हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, लोग फैमिली हॉस्पिटल मानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए भी अचानक कैसे राजनीतिक क्षेत्र में आ गए, इसके बारे में हमें दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे इसी विधानसभा में पैदा हुआ हूँ, मेरा घर यहीं पे रहा है, मेरे पिताजी भी यहीं पे अपने पूरे जीवन काल यहीं एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस किए हैं और हम लोग पढ़ाई के बाद से धीरे धीरे अपने रोज़गार के लिए आगे बढ़े और गोरखपुर में अपना एक अस्पताल मैंने स्थापित किया और वहाँ पे लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। जब मैं इस क्षेत्र में लौट के आया तो मुझे लगा कि यहाँ क्षेत्र में विकास की बहुत कमी है और जो यहाँ लोकल प्रतिनिधि आज तक जीत के आ रहे हैं वो संपूर्ण विकास कर नहीं पा रहे हैं। तो यही समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि राजनीति के माध्यम से मुझे भी इस क्षेत्र में आना चाहिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरा अपना योगदान देना चाहिए। क्या उम्मीद और क्या विश्वास लेकर आप आए हैं राजनीति के क्षेत्र में? देखिए, यहाँ पे सर्वप्रथम तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, साथ ही साथ नए जो भी नौजवान हमारे साथी हैं उनके लिए रोज़गार की उपलब्धता हमारी लिस्ट में है ताकि अगर एक अच्छा रोज़गार उनके पास उपलब्ध हो तो वो जीवन में कुछ ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। चलिए नेताजी, हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव पे। आपकी तैयारियां कैसी चली हैं सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर 359 विधानसभा क्षेत्र में? जी, तैयारियां बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रही है। पार्टी का बहुत आशीर्वाद है और बहुत विश्वास भी है पार्टी का मुझ पर और इस क्षेत्र में हम लोग जन जन को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी विकास कार्य हुए हैं उससे लोगों को अवगत कराया जा रहा है और आपको धरातल पर यहाँ विकास दिख भी रहा है। पूरे प्रदेश में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। आप चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, चाहे गोरखपुर का फर्टिलाइज़र कारखाना देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, नए नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण देख लीजिए। तो ये जो जिस तेज गति से विकास हो रहा है ये सिर्फ डीजल डबल इंजन के सरकार में ही संभव है। चूंकि नेताजी, माना जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि आपका परिवार बहुत लंबे समय से लगा हुआ है और आप भी उन्हीं के साथ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे में आप एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनके सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है जनता से, हम जनता को बताना चाहेंगे? जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज अब एक राजनीति के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से मैं जनता के बीच में अपनी सेवाएं देने के लिए आ रहा हूं ताकि क्षेत्र का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। जी नेताजी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके सिकंदरपुर विधानसभा में सबसे जटिल समस्या क्या है जिसको लेकर आप चुनावी मुद्दे में उतर रहे हैं? देखिए, सिकंदरपुर की तो ख्याति फूलों की खेती से हुआ करता था जो कि आज विलुप्त होने की कगार पर हो गया है और मेरा प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो इसको रिस्टोर किया जाए, इसको रोका जाए, हमारे किसान जितने साथी हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो वापस से फूलों की खेती में अपना योगदान दे और इसकी चीज़ें
देश विदेश तक फैले। दूसरा, यहाँ से एक पीपा पुल हुआ करता था जिसको हमारे सरकार के माध्यम से अब पक्की पुल में तब्दील किया जा रहा है, जिससे लोगों का बिहार और उत्तर प्रदेश का आवागमन सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ एक मेरी प्रमुख मांग ये है कि यहाँ पर रेल मार्ग से इसको जोड़ा जाए ताकि यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़े, जिससे क्षेत्र में लोगों का नए रोजगार के, नए विकास के आयाम खुलेंगे। नेताजी, हम बात महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो समय के हिसाब से निर्भर करता है। पहले 400 रुपया प्रति 10 ग्राम का भी सोना हुआ करता था, आज 40,000 है, तो सापेक्ष में है। पहले लोगों की तनख्वाह 100 रुपये भी नहीं हुआ करती थी सरकारी नौकरी में, आज लोग 70,000-80,000-100,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये महंगाई नहीं बोल सकते हैं, ये सापेक्ष में बढ़ता है। चीज़ें धीरे धीरे आपकी जीवन शैली बदलती जा रही है, आपका रोज़मर्रा की चीज़ें बदलती जा रही हैं। ज़रूर कुछ हद तक महंगाइयाँ हैं, लेकिन वो महंगाई नहीं है, वो विश्व का दबाव है, जो वैश्विक दबाव है उस कारण से चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन जितने कम किराए पे आपको हवाई जहाज की यात्रा करने को आज मिल रहा है, क्या इससे पहले कभी संभव हुआ था? नहीं हुआ था। तो ये भी हमारी सरकार की उपलब्धि है। आज उच्च स्तरीय शिक्षाएँ आसानी से उपलब्ध हो रही है, आपको हर जगह नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, फ्री में इलाज हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार किए जा रही है, आपको हर जगह अच्छे सड़क, बिजली, ये चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से ही हो रहा है और इसमें हम सबका योगदान है। देश की वृद्धि में अगर मेरा 1 रुपया ज़्यादा लग गया तो इसमें मेरे कोई कष्ट नहीं है। हाँ नेताजी, इतने सारे विकास हो रहे हैं और देश प्रगतिशील कर रहा है, आगे बढ़ रहा है निरंतर, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने को मिला है कि आपके विपक्ष में और आपके सत्ता में भी रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुशीनगर जनपद में जब आगमन हुआ था, खुले मंच से उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और भारत का सबसे झूठा व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। इनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान को? इसको तो जनता ने उनको जवाब दे दिया है। आज वो क्या हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या हैं, इसका तो जवाब जनता ने ऑलरेडी उनको दे चुका है। लेकिन यह है कि कुछ लोग अपने बुद्धि विवेक पर संयम नहीं रख पाते हैं, अपने वक्तव्य को संयम से नहीं बोल पाते हैं, तो बोल देते हैं। ये उनकी असंतुलित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। नेताजी, ये भी विपक्ष का कहना है कि EVM हटाओ और बैलेट पेपर पे जो चुनाव कराओ, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के नेता आपके केजरीवाल जी भी निर्वाचन आयोग में जाके कंप्लेन किया, इसकी शिकायत दर्ज कराई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? अब केजरीवाल जी इस टेक्नोलॉजी के दौर में EVM हटा के बैलेट पेपर लेना चाहते हैं और हम बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो क्या बैलगाड़ी पर हम लोग को वापस से चलना चाहिए? इस विकास के दौर में सबको आगे बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी आई है, हमारे देश से लोग एक से एक इंजीनियर आगे निकल रहे हैं, लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, तरह तरह की नई टेक्नोलॉजियाँ विकसित हो रही है, रोबोटिक सर्जरी आ चुकी है। तो इस टेक्नोलॉजी में एक ये भी माध्यम है कि इतनी सटीक इलेक्शन हो रहा है जिसमें बूथ कैप्चरिंग नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, कोई भी तरह का फ्रोजरी होने का कोई चांसेज नहीं रह गया है और इलेक्शन का रिजल्ट तत्कालिक रूप से बहुत कम समय में घोषित हो रहा है। तो इतने अच्छी चीज़ों को हटा के हम पुराने बैलेट पेपर पर जाने की क्या हो सकता है? नेताजी, हम बात करेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र पे। हम जानना चाहेंगे कि अगर 359 सिकंदरपुर विधानसभा की जनता आपको वहाँ की विधायक निर्वाचित करती है और आप विधायक होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि विधानसभा की जनता को विकास के क्षेत्र में आप क्या उपहार के तौर पे देना चाहेंगे? देखिए, अपने सरकार के माध्यम से अनेक प्रकार की परियोजनाएँ मैं निश्चित रूप से इस विधानसभा को लेके आना चाहूँगा और इस क्षेत्र में स्थापित करना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरा एक और भी है कि यहाँ पे एक चीनी मिल का स्थापना हो ताकि एक लोगों का रोज़गार बढ़े, कम से कम 10,000 युवाओं को यहाँ पर रोज़गार मिल सके। इसके लिए हम निजी तौर पे भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से जितनी भी परियोजना आ सकती हैं वो भी हम अपने नए कार्यकाल में लेके आने के भरपूर प्रयास करेंगे। नेताजी, हम बात हैं, एक सवाल आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको ऐन वक्त टिकट नहीं देती है सिकंदरपुर से चुनाव लड़ने के लिए, तो पार्टी के प्रति आपका क्या रुझान होगा? देखिए, हम पार्टी के बहुत कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं
और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसी पे हम लोग को आगे चलना है। अगर पार्टी मुझे दायित्व सौंपती है तो निश्चित रूप से पार्टी को एक बहुत बड़े अंतर के वोटों के अंतर से मैं इस क्षेत्र का सीट निकालूंगा और ये एक बलिया जिले में एक इतिहास के रूप में दर्ज होगा। अगर किन्हीं कारणों से अगर पार्टी मेरे किसी अन्य साथी को अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम लोग सारे लोग उनके समर्थन में लगेंगे और उस स्थिति में भी पार्टी का यहाँ विजय हो इस बात की हम सुनिश्चित तय करेंगे। तो क्या लग रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें इस बार लेके भारतीय जनता पार्टी आ रही है और विपक्ष में आप उनके तेवर उनके हड़बड़ाहट से समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है। लोगों से जन जन से इसका जुड़ाव है, हर जगह आप किसी भी गली मोहल्ले में, मैं तो स्वयं भी भ्रमण कर रहा हूँ और आप तो ग्राउंड रिपोर्ट पे ही निकले हैं, आप जहाँ जाएंगे सिर्फ एक ही नारा होगा बीजेपी बीजेपी बीजेपी। डॉक्टर साहब नेताजी, यानी कि मैं डॉक्टर साहब पहले या उसके बाद नेताजी, इस समय वर्तमान में नेताजी हैं, तो मैं आप मैंने जो कुछ भी आपसे पूछा आपने बड़े मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी मुस्कुराहट की राज क्या है? मुस्कुराहट की राज ये है कि हमारी पार्टी इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है, सदन में आ रही है और ये राम राज्य शुरू हो गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश का इस स्तर से विकास किए हैं कि यह आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन चुका है और इस प्रगति में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इससे हर जनमानस को कुछ ना कुछ अवश्य लाभ हुआ है और उम्मीद है कि सारे लोग हमारे साथ एक परिवार के रूप में, भाजपा परिवार मेरा परिवार है। इस मुस्कुराहट की राज यही है कि आने वाले सन 2022 के विधानसभा चुनाव में यानी नेताजी की सरकार बनने वाली है। लास्ट में हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि आप सिकंदरपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता और विधानसभा की जनता को अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर और पार्टी के चुनावी क्षेत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि इस डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो तालमेल है, ये विकास की जो पहिया घूम रही है, इसमें आप लोग भी अपने महायज्ञ में एक एक आहुति अपने वोट के तौर पे दें और इस विकास के महायज्ञ को आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद नेताजी। तो ये रहे नेताजी सिकंदरपुर विधानसभा से जोरों शोर से भारतीय जनता पार्टी से निरंतर दिन रात एक करके प्रयास कर रहे हैं सन 2022 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र की चुनाव को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर विजय रंजन जी, बलिया सिकंदरपुर विधानसभा, अजय कुमार के साथ सूरज जी।